अयोध्या के अवध विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शुरू हुई नई परंपरा। अवध विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में एक नई परंपरा शुरू हुई। सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित करने के बजाय गागर में जल भरकर जल संचयन का संदेश दिया गया। इस समारोह के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 127 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक और 191,074 छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की। इसी के साथ ही उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किट, 30 स्कूली बच्चों को बैग, 5 फल और अध्ययन सामग्री प्रदान की। आनंदीबेन पटेल ने अयोध्या वासियों को कहा कि आप लोग खुश नसीब हैं कि राम नगरी में जन्म लिया है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन सेमिनार में दिए गए बयान को लोकतंत्र, न्यायपालिका और देश का अपमान बताया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में लड़कियों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, 80% लड़कियां गोल्ड मेडल ले जा रही हैं और वहीं अवध विश्वविद्यालय में 64% लड़कियों का ग्राफ हो गया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय सहित संपूर्ण अयोध्या को देवतुल्य बनाना है, जहाँ हर किसी का आचार विचार बार कर्तव्य ऐसा हो जो संपूर्ण विश्व के लिए एक मधुर और सकारात्मक संदेश बन जाए। आगे वही भूमि में अस्तित्व हुआ है, इसलिए मैंने कहा कि आप नसीबदार हो कि आपका जन्म राम जहां जन्म लिया था वही स्थान पर आपका जन्म हुआ है। भारत 140 करोड़ की आबादी वाला देश, लोकशाही का मंदिर, और कई लोग बोलते हैं लोकतांत्रिक इधर नहीं है, लोकतंत्र खत्म हो गया है, और विदेश में जाकर भाषण करना और वहां हवन करना, वापस आओ और हमें लोकतंत्र कैसे चलाना है वो सिखाओ। तो ज्यादा लड़कियां लड़के कम है, क्या करोगे? कुछ ऐसी योजना बनाइए, नहीं तो स्थिति ऐसी पैदा होगी। क्योंकि मैं पूरे यूपी में 2 यूनिवर्सिटी बाकी है दीक्षांत में जाने की, बाकी सब जगहों पर करके आई हूं। 80% बेटियां गोल्ड मेडल लेकर आगे बढ़ी कि 32 यूनिवर्सिटियां, पहली बार उत्तर प्रदेश में मैंने वीसी के रूप में 6 महिलाओं को रखा है। लेकिन मैंने सभी यूनिवर्सिटी कहा है कि आने वाले अगस्त से दीक्षांत समारोह शुरू होना चाहिए, 2 महीने में सभी दीक्षांत समारोह पूरा होना चाहिए। बताइए आपने यूनिवर्सिटी में कोई दीप बनाए? नहीं तो किसी ने बनाया, वो आपने खरीदा, सरकार ने खरीदा या तो किसी ने खरीदा। ऑयल किसने दिया अंदर? वो क्या बाती वो दिया और आपने जाकर ऐसे करके खिला दिया और आप बोलते हो तो बढ़ रेकॉर्ड हो गया। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयती उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर आर के उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।